उपनिषद में एक वाक्य कहा गया है यद चक्षुषा न पसते ये तो न चक्षुन पस्यंती तद एव तद ब्रह्म न इधम यदि इदम, इदम उपास्ते जो आंखों से नहीं देख दिखाई देता किंतु जिसकी शक्ति से आंखें देखती है वह ब्रह्म है आंखों से वो दिखता नहीं आंखें जिसकी शक्ति से देखती हैं आप सोचिए हम आंखों से शरीर को देखते हैं तो शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं ना ये सबसे बड़ा अज्ञान है शरीर के मृत्यु को ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं ये किसको कहते ये क्या है अविद्या अज्ञान हम शरीर नहीं हैं लेकिन मोह किससे होता है शरीर से जब शरीर को ढलने लगती हो तो क्या कहते हैं हम बूढ़े हो गए कोई नहीं कहता है कि शरीर बूढ़ा हो गया कोई बिरला कहता है जो समझदार है शरीर के सुख दुख को हम अपना सुख दुख माने बैठे हैं और जब तक इसे परे नहीं होंगे तब तक तन मन और जीव का निछावर क्या होगा तन मन जीव निछावर के जीव का निछावर क्या होगा कि यह जीव संसार तृष्णाओं को छोड़कर राज्य के प्रेम में लग जाए ये कब होगा चितवनी में डूबते डूबते शरीर साथ नहीं दे रहा है बैठिए अटूट संकल्प के साथ अटूट संकल्प अटूट पुरुषार्थ प्रबल पुरुषार्थ शुद्ध सात्विक आहार और राज्य से मिलन की अटूट भावना ये आपको चितवनी की तरफ ले जाएगी निजानंद योग में समाधि के सात साधन बताए गए आप उसको पढ़ेंगे तो बोध होगा कि एक एक साधन की मात्रा क्या है सुंदर साधन में अधिकतर की यही शिकायत होती है कि जब हम चितौनी में बैठते हैं तो मन चारों तरफ भागने लगता है अभी कुछ देर के कारण अभी वो पुस्तक हम दे नहीं पा रहे हैं संभावना थी कि तैयार हो जा हो जाएगी लेकिन कुछ व्यवधान हो गए जिसके कारण इस कार्यक्रम में वो पुस्तक हो नहीं पा रही है हफ्ते दस दिन में हो सकता है वो तैयार हो जाए वह है की महिमा रात से लेकर क़यामत तमा तक की चौपाइयों का संकलन करके उसमें दर्शाया गया है कि चितवनी की महिमा क्या है जब आप पूरी वाणी को पढ़ेंगे और चितवनी से संबंधित उन चौपाइयों का चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि चितवनी की वही महिमा है जो हमारे जीवन के लिए प्राणवायु की महिमा है आत्म जागृति के लिए चितवनी के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं है लेकिन आपके चितवनी करने का अर्थ ये मत समझ लीजिए कि हम चितवनी करते हैं तो हम कोई सेवा नहीं करेंगे सेवा का महत्व तो अलग है चितवनी का महत्व तो अलग है और मैं तो ये समझता हूँ कि जो चितवनी करेगा वो वही सेवा का सच्चा महत्व तो समझेगा चितवनी करने वाला जब अपने स्वरूप को पहचान लेगा अपने और राज्य के स्वरूप को पहचान करने वाला वही सच्चे हृदय से सेवा करेगा क्योंकि वो माया के पर्दे को हटा देगा इसलिए चितवनी आलसियों के लिए नहीं है दो घंटे हम ध्यान में बैठ गए तो कहेंगे कि हमें कोई सेवा नहीं करनी है हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हम तो चितवनी करते हैं ऐसा नहीं है मैंने पहले दिन भी बताया था कि जैसे शरीर में हर अंग का महत्व होता है पैर का अपना महत्व है हाथ का महत्व है मुख का महत्व है उसी तरह से सेवा का अपना महत्व है वाणी चिंतन का अपना महत्व है चितवनी का अपना महत्व है सभी आवश्यक है हाँ केवल कर्मकांड आवश्यक नहीं है जो धर्म की राह पर चलने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको माला पहननी है आपको जरूरी नहीं है कि तिलक लगाना ही है आपको जरूरी नहीं है कि दो बार स्नान करना है हाँ शरीर से स्वच्छ रखिए अभी मैं कह रहा था जब आप चितवनी में बैठ जाते हैं तो एक बाहर का संसार आपका पीछा कर रहा होता है उसको आंखें बंद करके दूर कर लेते हैं जैसे यहाँ मैं आंखें खोलकर चितवनी करूँ तो आप लोग दिख जाएंगे ये पेड़ पौधे दिख जाएंगे तो मन में तो वो बात आ गई इसलिए आँखें को आँखों को बंद कर लेते हैं कि अब हमें संसार को नहीं देखना है संसार को आँखों से जब उछल कर देते हैं तो हमारे मन में जो संसार बचता है वो उभरना शुरू होता है और वो संसार लाखों जन्मों का होता है जो हमने देखा होता है क्योंकि हमारा जीव लाखों बार शरीर धारण कर चुका है अनेक जन्मों में हमने काम क्रोध लोभ विषयों का सेवन किया होता है और वो संस्कार हमारे साथ जुड़े होते हैं जैसे एक व्यक्ति चोर था किसी संगत सत्संगत के कारण वो महात्मा बन गया महात्माओं के साथ वो रहने लगा लेकिन चोर का संस्कार उसके चित्त में बना हुआ था और रात को जब तक सबके कमंडल इधर उधर नहीं रख लेता था तब तक तो उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि सारे जीवन बेचारे ने चोरी की थी वैसे ही आपके जीव ने जो लाखों जन्मों में विषय विकारों का सेवन किया है वो संस्कार उसका पीछा करते हैं तो चितवनी में जैसे ही आप बैठेंगे आप पिक्चर देखिए कभी कोई नहीं कहेगा आज तक की पिक्चर देखते समय किसी की नींद आई हो लेकिन आप भी सुंदर साथ बैठते हैं मुझे ज़रूर लगता है कुछ न कुछ सोते तो ज़रूर होंगे कई लोग तो चितवनी करते समय घिर भी जाते हैं लेकिन कई लोग झपकी खाते हैं आखिर चितवनी के समय ही नींद क्यों आती है पिक्चर देखते समय नींद क्यों नहीं आती कभी आपने सोचा है क्योंकि पिक्चर में जो माया का रूप दिखाया जाता है वो लाखों जन्मों से जीव देख रहा होता है उसको प्रिय लगता है राज्य तो दिखे नहीं लेकिन जिसको राज्य से लगन लग जाती है उसको तो पूरी पूरी रात नहीं निदाती है जिसके हृदय में प्रेम बस गया उसकी आँखों में निद्रा का आप जब शहन आरती करते हैं तो में क्या गाते हैं आपको अच्छी तरह से याद होगा आप जानते हैं किसी विरहणी से पूछिए कि तुम कितने घंटे सोती हो क्या कहेगी कि मेरा प्रीतम जब दूर है तो मेरी आंखों में नींद कहाँ गोपियों से पूछिए वो कितने घंटे सोती थी मीरा से पूछिए रसखान से पूछिए उन्होंने निद्रा को जीत लिया था और एक ऐसे भी होते हैं जो घोड़े बेचकर सोते हैं घोड़े बेचकर सोने का तात्पर्य क्या होता है बेठक निर्दंद होकर के सोना देखिए गीता में एक बात कही गई है युक्त आहार और विहार युक्त आहार विहार से युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो बहुत ही दुखा साधना किसकी सफल होती है जिसका आहार और विहार उचित हो बहुत सोएंगे तो भी आपकी साधना पूरी नहीं आहार और बिहार आहार का तत्पर क्या है बहुत ज्यादा भोजन करेंगे तो भी आपका ध्यान पूरा नहीं होगा क्योंकि निद्रा आएगी बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी ध्यान पूरा नहीं होगा राजकुमार सिद्धार्थ ने यह भूल की थी वो अन्न का एक दाना खाने लगे थे प्रतिदिन बीतक में आप सुनते हैं ना श्री मिराज ने पैसे भर रहा या सोए एक पैसे का जो वजन होता है उसके बराबर अपना आहार कर दिया लेकिन क्या हो गया शरीर क्रिश हो गया शरीर को मारने से कुछ नहीं होगा मन को मारना है मन के हारे हारिए मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। मन ही दिखावे साहिबी, मन ही दिलावे साहिबी, मन ही करे फजीत मन को नियंत्रण में रखना है मैंने कहा मन को नियंत्रण में रखने के लिए बुद्धि को नियंत्रण में लाइए बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप आहार की शुद्धि कीजिए क्योंकि योग दर्शन क्या कहता है सत्य पुरुषोयोग शुद्ध साम्य कैवल्यम बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो जीव भी शुद्ध हो जाएगा और कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी देखिए भारत में कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ मांसाहार का सेवन बहुत कम होता है गुजरात और राजस्थान इसमें प्रथम है यूपी का भी नंबर है यूपी में कुछ लोग या तो मांस बहुत खाते हैं कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं गुजरात में ये ज़रूर होता है कि लहसुन प्याज खाने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन मांस खाने वालों की संख्या बहुत कम है हाँ दक्षिण भारत में मांस बहुत ज़्यादा खाया जाता है उत्तर भारत के पहाड़ी भागों में मांस खाया जाता है ये मैं बता दूं कि कश्मीर में ठंडक पड़ती है बर्फ़ पड़ती है लेकिन वहाँ गाय का मांस को नहीं खाता ये बहुत विचित्रता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में मांसाहार निषिद्ध रहा है बर्फीले स्थानों में भी रहने वाले लोग पहले मांस बिल्कुल नहीं खाते थे ये तो डॉक्टरों ने मांस का महत्व बढ़ा दिया है मैं कहना क्या चाहता हूँ मन को शुद्ध करने के लिए हमें आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी भक्ति का रस उसमें डालना पड़ेगा जो मन माया के विषयों में फंसा हुआ था एक सिद्धांत समझ लीजिए इस मन को किसी भी तरह से आप तृप्त नहीं कर सकते हैं संसार के सुखों में संख्य दर्शन में इस बारे में कई पांचवें अध्याय में संभवतः पांचवा अध्याय होगा मन को संतुष्टि के संबंध में कई चीजें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं एक सूत्र है अहिंवलवत जैसे सर्प होता है केचुली जब छोड़ देता है तो उसको शांति मिलती है नहीं तो नहीं एक सूत्र में कहा गया है देखिए ऋषियों ने क्या किया बड़ी से बड़ी बात को छोटे शब्दों में जिसको आज की भाषा में वर्ड करते हैं उसमें लिखा उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं सांख्य दर्शन के ऋषि लिखते हैं कि जैसे आपकी उंगली में सर्फ ने काट लिया तो क्या करेंगे इस उंगली को काट दीजिए सामान्य उपचार क्या है खून बहा दीजिए लेकिन झटके में उंगली थोड़ा सा यहाँ कटा है इतना काट दीजिए तो विष का भाग भाग तुरंत निकल गया अब बच जाएंगे छिन्न हस्तवत्वा अंगुली को नहीं काटे हैं उसका विष नहीं निकला तो वो विष पूरे शरीर में घुस जाएगा उसी तरह से संसार के विषयों के सेवन की जो प्रवृत्ति है वो बनी रही तो कभी भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा निराशा सुखी पिंगलावत संसार के सुखों से निराश हो जाइए कि संसार की तृष्णा हमें नहीं चाहिए ये तो दुनिया के ऋषि मुनि कह रहे हैं आप तो मेर सागर का गोटा लेकर बैठ जाते हैं कि राज जी चालीस दिन हो गए पाठ करते करते आपने हमारे घर बेटा नहीं दिया आपने हमारा बिजनेस नहीं बढ़ाया आपने हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगाई ऋषि कहते हैं कि निराशा सुखी पिंगलावत पिंगला नाम की एक कि वैसा थी वो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी संयोग से उसका प्रेमी उस रात नहीं आया उसको बहुत ग्लानी हो गई कि इतनी व्याकुलता से मैं अपने संसारिक प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हूँ इतनी व्याकुलता से मैं परमात्मा की आस लगाऊँ तो मेरा जीवन इस बहुत सागर से पार हो जाएगा आखिर मेरा संसारी प्रेमी क्या करता है मेरे शरीर को नोचता खसोड़ता ही तो है मैं उसी में शांति खोज रही हूँ क्यों नहीं परमात्मा के प्रेम में लग जाऊँ कपिल मुनि कहते हैं कि निराशा है सुखी पिंगलावत पिंगला की तरह निराश हो जाए कि संसार के सुखों में शांति नहीं है शांति किसमें है राज्य के चरणों में ये भावनाएं जब तक बन जाती हैं तो ये मन अपने आप शुद्ध होने लगेगा परमात्मा से अटूट प्रेम सात्विक आहार ग्रंथों का चिंतन जिससे विवेक पैदा हो ये हमारे मन को निर्मल करने के साधन है सुंदर साथ यदि वाणी का चिंतन नहीं करेगा चितवनी नहीं करेगा आहार की शुद्धि नहीं करेगा तो मन को कैसे शुद्ध कर पाएगा तो तो दिन रात कोसने से कि हम पापी हैं पापी हैं कोई सुधार तो होता नहीं और दुर्भाग्य से हमारे समाज में ये तीनों बुराइयाँ हैं वाणी का चिंतन भी कम है किसी भी मंदिर आश्रम में जाइए तो वहाँ तीखी लाल मिर्चों का ही भोजन मिलता है घर पर भी हम तामसिक राजसिक आहार करते हैं और चितवनी की प्रक्रिया तो बहुत कम है अब थोड़ी थोड़ी समाज अगड़ाई लेने लगा है कुछ कुछ सुंदर साथ आंखें बंद करने लगे हैं चलो ना ही से तो कुछ भला मैं आशा करता हूँ कि एक को देख दूसरा भी आंखें बंद करने लगेगा और धीरे धीरे गाड़ी चल पड़ेगी तन मन और जीव का निछावर जीव कब निछावर होगा जब विरह प्रेम में डूबेगा तो यदि विरह का रस नहीं मिला तो ये जीव क्यों डूबेगा विरह का रस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा जो सबसे अच्छा हो उससे प्रेम करना देखिए एक छोटा बच्चा है वो ऐसे खिलौने से खेलता है जिससे उसको बार बार चोट लग जाती है माता पिता क्या करेंगे उससे अच्छा खिलौना जब ला देंगे तो पहले वाले खिलौने को छोड़कर उसमें लग जाएगा और फिर पुराने खिलौने की तरफ देखेगा भी नहीं हम मन को हट पूर्वक माया से हटाना चाहते हैं और मन ऐसा है कहता है कि नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मन की प्रवृत्ति क्या है उस चिपकू की तरह चिपकू समझते हैं ना चिपक जाए और छोड़े नहीं मन जिधर लग जाता है मन शराब में लग जाए तो शराबी को शराब को छोड़ना नहीं चाहता अफीम की लत लग जाए तो मर जाएगा लेकिन अफीम को छोड़ना नहीं चाहेगा मांस की लत लग जाए कितना भी समझाइए मांसाहारी कहता है मैं जानता हूँ कि जानवर को मारने में बहुत कष्ट होता है लेकिन क्या करें इसके स्वाद का की लत लग गई है अब सोचिए मांस में होता क्या है हमारे शरीर के मांस को कोई काट करके खाए तो कैसा लगेगा कोई व्यक्ति एक मुर्गे का मांस खाता है जानवरों का मांस मारा जाता है वो जानवर चीखता है चिल्लाता है और मनुष्य तन मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए और सभ्य कहलाने वाला मनुष्य उसको मारता है पकाता है फिर खा जाता है भारत में तो कम दिखाई पड़ता है कते पक्ष की मान्यता क्या है कुरान में भी ऐसा है और बाइबिल में भी लगभग ऐसा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया जब मनुष्य को अपनी आकृति में बनाया तो मनुष्य को अपनी गरिमा का तो ध्यान ध्यान रखना चाहिए उसका जन्म गाय बैल ऊँट छिपकली और केंचुए कहने के लिए थोड़े पैदा हुआ है चाइना में दुनिया का ऐसा कोई जीव नहीं जिसको खाया नहीं जाता हो काकरेज का भी ये सूप पीते हैं अभी आपने कुछ समय पहले सुना था इनको चमगादड़ का सूप बहुत प्रिय होता है चमगादड़ को आप देखते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले तो आपका मन खिन्न हो जाता है कि ये कितना गंदा प्राणी है और चाइना वालों को चमगादड़ का ही सूप पीने में मजा आता है ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और इससे परे होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें तत्व ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा तनमन जीव ने छावर किन्नो महामत लाग, जीव को जब राज्य का प्रेम मिल जाए जब जीव को वाणी के चिंतन से यह पता चल जाए कि राज्य से अधिक सुंदर कोई भी नहीं है मनुष्य का मन किस पर जाता है सुंदरता पर वैभव पर आनंद पर शांति पर और किसी से घनिष्ठता हो जाए उस पर मोह के बंधन पर ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें जीव फंसा रहता है देखते हैं मनुष्य ही नहीं संसार का हर प्राणी सौंदर्य पर आसक्त होता है सौंदर्य क्या है ये त्वचा तो का ही तो सौंदर्य है चाहे पुरुष हो या स्त्री बचपन में युवावस्था में किशोरावस्था में सभी सुंदर होते हैं उम्र ढलती जाती है चेहरे का सौंदर्य समाप्त होता जाता है एक दिन ऐसा होता है जो चेहरा बहुत सुंदर दिख रहा होता है इसमें दांत नहीं होते पोपला सा मुँह हो जाता है और चेहरा बदसूरत सा दिखने लगता है क्या हमने किसी के सौंदर्य पर रिझते समय यह देखा है नब्बे पंचानवे साल के वृद्ध को देखने की कोशिश की है सौंदर्य का आकर्षण स्वाभाविक है सौंदर्य घृणा की वस्तु तो नहीं है किंतु उसमें पवित्र सौंदर्य देखिए सौंदर्य का निर्माता कौन है परमात्मा इसने ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है स्वरूप कृतनम उते हे परमात्मा तू सौंदर्य का निर्माता है परमात्मा इतना सुंदर है कि उससे सुंदर न इस सृष्टि में कोई हुआ है न कभी होगा तो आप अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान अनंत सूर्यों से भी अधिक शांति वाले कमल का फूल देखिए कितना कोमल दिखता है कितना सुंदर कितना सुगंधी दिख सुगंधी वाला दिखता है जिस पर ब्रह्म के सौंदर्य में अनंत कमलों की सुगंधी हो अनंत कमलों की कोमलता हो और अनंत कमल और चंद्रमा का सौंदर्य हो उससे प्रेम कर लेना समझदारी है या मूर्खता हर कोई जान सकता है सौंदर्य के पीछे हमारा मन भाग रहा है कि तो राज्य जी से, से ज़्यादा सुंदर तो कुछ नहीं है आप ही शरीर को सजाने संवारने में एक एक घंटा लगा देते हैं कुछ तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बहनें सवेरे साड़ी अलग पहनती हैं दोपहर को अलग पहनती हैं और शाम को अलग पहनती हैं मैं किसी क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ यह आश्रमों मंदिरों में होता है इस मिट्टी के पुतले को तो हमने सजाया है ना हमने अपने स्वरूप को नहीं देखा है कि हमारी परात्म का स्वरूप क्या है जब वाणी का चिंतन हमारे अंदर जाएगा तब पता चलेगा कि वास्तव में हम ये मिट्टी के पुतले नहीं हैं हम भी उसी राज्य के अंग हैं जिनके एक एक अंग में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है ये है सौंदर्य का आकर्षण ये कौन लाएगा विवेक से चितवनी करते करते जब राज्य के स्वरूप का चिंतन करते करते अपनी अंतर्दृष्टि को उनमें लगाते लगाते जब विरह का रस आएगा तो जीव भाव इस शरीर का हटता जाएगा जीव यही चाहेगा कि कब राज्य मिल जाए कब राज्य मिल जाए राज्य से अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं एक छोटा बच्चा होता है देखिए दस माताओं के बीच में दो साल के एक बच्चे को रख दीजिए वो बच्चा भाषा नहीं जानता लेकिन उसके रक्त का संबंध ये मेरी वास्तविक माँ है सभी के पास जाएगा लेकिन असली माँ जब उसको पुकारती है तो पता कर लेता है कि ये मेरी असली माँ है आप तो परमधाम के सुंदर साथ हैं आप संसारिक रिश्तों में रहकर अपने राज्य की पहचान क्यों नहीं कर लेते हैं। होता यह कि राज्य को किनारे कर देते हैं राज्य के लिए एक घंटा और संसार के लिए सब मालूम है गलती कहाँ से हो रही है जब जीव को यह लग जाए कि राज्य ही हमारे सर्वस्व है राज्य से अधिक हमारे लिए कोई सुंदर नहीं राज्य से अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं राज्य से अधिक कोई किसी में नहीं है तो स्वाभाविक है कि आपका जीव अब राज्य के प्रति निछावर हो गया है तब आप कह सकते हैं कि तनमन जीव निछावर के नो श्री महामत चरणोलाल आपने तन चितवनी में लगा दिया आसन सिद्धि में मन को विषयों से हटाकर राज्य के चितवनी की तरफ प्रेरित किया और जब विरह रस बहा तो यह जीव सोचने लगा कि मैं तो इस संसार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा केवल राज्य के प्रेम में डूबा रहूंगा इसको कहते हैं यही रस्ता का चढ़िया जहर उतारे निर्विख काया करे जागे जीव करा रहे ये माया के विष से रहित होना है संसार किसके विष में फंसा हो जा रहा है माया के विष में संसार के सभी प्राणी आप देखते हैं दिल्ली में चले जाइए बड़े बड़े शहरों में चले जाइए लाखों पशु प्रतिदिन काटे जाते हैं किसके लिए ताकि उनकी जीवा की प्यास बुझाई जाए हम क्रीम लिपस्टिक से अपने शरीर को सजाते हैं ये नहीं पता कि उस कैसे जीवों को मार मार कर ये सौंदर्य के प्रसादन बने कोई व्यक्ति जा रहा है उसकी हत्या करके उसका धन लूट लिया जाता है किस लिए क्योंकि हम सुखी रहें दूसरों को दुखी बनाकर मनुष्य स्वयं सुख सुखी होना चाहता है ये उसकी कितनी बड़ी भूल है तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आसन सिद्धि करनी पड़ेगी मन को निर्मल बनाने के लिए चितवनी में लगना पड़ेगा और सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी मात्रा में सेवन करना होगा ऐसा नहीं कि आप फल खाने शुरू कीजिए तो प्रतिदिन दो दर्जन केले खाइए एक लीटर दूध पीजिए पचास ग्राम घी खाइए और सूप पीजिए जूस पीजिए तब तो इससे अच्छा तो अन्न खाना हो गया अब कुछ भी खाइए मात्रा से सेवन में कीजिए जैसे आपको बुखार लगा है डॉक्टर कहता है कि पैरासीटामोल की एक गोली चाहिए 500 सौ की आप सोचेंगे कि पाँच पाँच की सवेरे खाऊं शाम को खाऊं इससे अच्छा है कि चार गोलियां एक ही बार खा लूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए तो क्या परिणाम होगा जो गोली आपको मौत से बचा सकती है वही मौत का कारण बन जाएगी इसलिए मात्रा में सेवन का अभ्यास डालिए किस चीज़ को कितनी मात्रा में खाना है भोजन बनाते हैं मात्रा में नमक डालते हैं तो भोजन स्वादिष्ट होता है और एक किलो सब्जी में चार चम्मच नमक डाल देंगे तो स्वाद बढ़ेगा या घटेगा बीस बीस हो जाएगा इसलिए सात्विक पदार्थ का अर्थ है मात्रा से भी। युक्त आहार विहार युक्त कर्म से चेष्टा विहार क्या? का तात्पर्य क्या है जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर घूमते रहते हैं ध्यानी को वो भी नहीं करना है और दिन भर कमरे में बैठे रहना ये भी उचित नहीं है मात्रा जैसे बहुत बरसात हो जाए तो भी मन उग जाता है बहुत ठंडक हो जाए तो भी मन उग जाएगा बहुत गर्मी हो जाए तो भी उग जाएगा भोजन की मात्रा उचित होनी चाहिए न कम न अधिक जिससे शरीर चले निद्रा की मात्रा युक्त कर्म चेष्टा निद्रा की मात्रा भी न ज़्यादा सोइए न कम सोइए आठ घंटे सोने वाला ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता तीन घंटे सोएंगे तो भी नींद नींद पूरी नहीं होगी आप झपकी लेते रहेंगे आठ घंटे सोएंगे तो तमोगुड़ बढ़ेगा इसलिए क्या कीजिए कि बीच का परिणाम चार घंटे पाँच घंटे छः घंटे जो प्रथम स्तर के योगी होते हैं उनकी निद्रा साढ़े तीन घंटे चार घंटे की होती है वो आपके लिए नहीं है जो स्तर के परमंस होते हैं उनके लिए चार घंटे बहुत होते हैं साढ़े तीन घंटे चल उनका आहार भी सदा हुआ होता है एक आसन पर बैठेंगे तो उनके लिए तो पूरी रात निकल जाएंगी आपको खेतों में काम करना है आप उनकी नकल करेंगे तो फंस जाएंगे इसलिए नकल उतनी कीजिए जो आपके अनुकूल है आप दो घंटे भी सच्चे हृदय से राजी को याद करें बहुत है लेकिन जो तरीका है उससे जब आसन में बैठ जाएं तो शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं मन में कोई और बात ना सोचिए युक्त कर्म से चेष्टा कर्म चेष्टा उचित हो आप दिन भर फावड़े ही चलाते रहेंगे तो शरीर शाम को निढ़ाल हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा और बिल्कुल लेटे ही रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा कुछ कार्य भी कीजिए निठल्ले भी न रहिए और ऐसा नहीं कि आप दिन रात सोते ही रहें कहने का आशय क्या है योगेश्वर श्रीकृष्ण क्या है कि समत्तम योग उचित समत्व हो निद्रा सम्यक होनी चाहिए आहार सम्यक होना चाहिए और जो शरीर का जो व्यवहार है कर्म चेष्टा है वो भी सम्यक होनी चाहिए तो आपकी चितवनी सब फलीभूत होगी और आगे वाणी में सागर ग्रंथ में दर्शाया है कि क्या करना चाहिए जब काल माया माया को पार करके आप परम धाम जाते हैं तो इस शरीर को सबसे पहले भूलना होगा मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आसन में बैठने का अभ्यास कीजिए जब आप आंखें बंद कर बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करते हैं तो इस शरीर का आभास अपने आप समाप्त हो जाता है आप कितना भी वेदांत के वाक्य रट लीजिए कितना भी दिव्य वाक्यों को दोहराइए कि मैं शरीर नहीं हूँ मैं अंतकरण नहीं हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ मैं पंचकोश नहीं हूँ मैं क्या हूँ शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ तो ये तो बुद्धि तक ही रह जाता है किंतु यदि आप चितवनी में डूबने लगे आपने आसन सिद्धि कर ली आहार की शुद्धि कर ली मन को राज्य के चरणों में लगा दिया तो व्यवहार में ही आने लगता है कि मैं सचमुच शरीर नहीं हूँ मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ आप कितनी भी चौपाइयाँ पढ़ जाइए ये विवेक व्यवहार में नहीं आ सकता जब तक चितवनी में आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं डूबेंगे कि मैं सचमुच में परमधाम की आत्मा हूँ और परात्मा का श्रृंगार लेकर मेरी आत्मा इस संजीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है नहीं तो क्या होगा अच्छे अच्छे विद्वानों से यह शरीर का नहीं छूटता माताओं को शरीर से मोह बहुत ज़्यादा होता है तीन से उनको बहुत मोह होता है अपने शरीर से अपने परिवार से बच्चों से पतिदेव से और तीसरा स्वर्ण आभूषणों से इन तीनों का मोह छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप चितवनी में इस तरह से बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास कीजिए राज्य का भाव लेकर कि आपको शरीर की शुद्धि न रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जब आपकी सुरता राज्य के समक्ष पहुंचती है तो सागर में चुपाई आती है प्यू नेत्रो नेत्र मिलाइए जो उपजिए आनंद घन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न पिओ नेत्रों नेत्र मिलाइए राज्य के नेत्रों से अपनी दृष्टि को मिलाइए पिओ नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न प्रेम रसायन रसायन किसको कहते हैं जिसके सेवन से शरीर की निरोगता बने रहे शरीर रोग रहित हो जाए प्रेम रसायन क्या है प्रेम ही तो रसायन है जो जीवन को बढ़ाता है जैसे आप देखे होंगे संसार में देखने में आता है कि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है या किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो सोचते हैं कि अरे अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे उसी क्षण शरीर छूट जाता है श्री जी की अंतर्धार लीला के समय या जब जी राजी का दया संस्कार हो रहा था कितने सुंदर साथ ने अपने तन छोड़ दिए थे जब चीता में बाइजू जी के तन का दाह संस्कार किया जा रहा था सुंदर साथ जलती हुई चीता में कूद पड़े थे कि हम जी के बिना कैसे जिंदा रहेंगे एक क्या है प्रेम रूपी रसायन जो सबको जिंदा किए रखा था जो बड़े बड़े संकटों में नहीं डरे सुंदर साथ वो श्री जी का विरह नहीं सह सके जी का विरह नहीं सहन कर सके प्रेम रसायन कब मिलेगा जब राज जी के नेत्रों से आपकी दृष्टि मिलेगी और ये कब होगा जब चितौनी में डूब जाएंगे थोड़े समय के लिए राज्य का स्वरूप आएगा उज्जवल हो जाएगा क्योंकि मन जितना चंचल रहेगा उतना ही कष्ट परेशानी होगी राज्य के स्वरूप को सामने आने में मन शांत रहेगा पवित्र रहेगा तो क्या होगा राज्य का स्वरूप प्रत्यक्ष सामने से आएगा और इसके लिए आपको आहार की शुद्धि पर ध्यान देना ही पड़ेगा एक रस होश्कसो चले प्रेम रसपुर फिर फिर प्याले लेते हैं श्याम श्याम आजी हजूर इस चौपाई में सारा सूत्र बता दिया कि राज्य का दर्शन कैसे होता है एक रस सोना, एक रस सोने का तात्पर्य क्या है अभी आप जब प्राथमिक कक्षा में होते हैं शुरू शुरू में तारतम लेते हैं वाणी पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या होता है कि हमारे घर में तो पहले कुल देवी की कुल देवता की पूजा होती रही थी हनुमान जी की गणेश की पूजा होती रहती थी जो हम मांगते थे तुरंत मिल जाता था पता नहीं ये राज्य भी दे देंगे कि नहीं तो आप मेहर सागर का गोटा उठाते हैं कोई पाठ रख लेता है मन्नत मानकर कोई नारियल चढ़ा देता है कोई साड़ी चढ़ा देता है सब लोग करते ही हैं भाई जो राज्य में साड़ी क्यों चढ़ाई जाती है नारियल क्यों फोड़े जाते हैं संसार की कामना के लिए आत्मा की जागृति के लिए नहीं लेकिन जब आप चितवनी में डूब जाएंगे आपको वाणी के ज्ञान से राज्य के स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो क्या करेंगे एक रस हो जाएगी कि किससे उनसे क्या मांगो जो वो है मैं भी तो वही हूं मेरी बातों को जो समाज में प्रचलित है उससे तुलना मत कीजिए अक्षरातीत आपके प्राणेश्वर है तो आप भी तो उसकी प्राणेश्वरी हैं आप बताइए राधा जी ने कृष्ण के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कितनी मन्नत की होगी कृष्ण मथुरा है चले गए हैं गोपियां वीरह में तड़प रही हैं परमधाम की आत्माएं नहीं है वो प्रतिबिंब की सखियां हैं जिनको आज की भाषा में गोलू की सखियां कहते हैं किसी गोपी ने कृष्ण के मंत्र का जाप किया था कोई कोई पाठ पूजा करवाया था कोई मन्नत मांगी थी कुछ नहीं अपने प्राणेश्वर से कीमती कुछ है ही नहीं तो मांगे क्या लेकिन जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक भिखमंगे ही बने रहेंगे अब भिखमंगे को क्या मिलता है जो उसकी मुराद होती है राजा के पास एक मा उसकी महारानी भिक्षुणी का भेष धारण करके जाए राजा तो पहचान लेगा कि मेरी पटरानी है मंत्री नहीं पहचानेंगे तो राजा क्या करेगा राजा यदि अपने मंत्रियों के सामने कह देगा कि मेरी पटरानी भिक्षुणी बनकर आई है तब तो वो मुँह क्या दिखाएगा उसकी इज्जत चली जाएगी तो वही रोब दाप से कहेगा कि ये भिक्षुड़ी आई है भिक्षमगी आई है इसको कुछ दे दो खाने को आप भी राज्य से जब मांगते हैं राज्य सोचते हैं कि ये मेरी अर्धांगनी मेरी प्राणेश्वरी मेरे से माया की दौलत मांग रही है तो इसकी इच्छा पूरी कर दो लेकिन मैं तो दूर ही रहूँगा जब आप नारियल चढ़ाकर पाठ पहाट रख कर साड़ी चढ़ाकर जो माया की चीज़ें मांगते हैं मिल जाएंगे जी नहीं मिलेंगे इसलिए आप भीख मंगे बनना बंद कर दीजिए कटोरे लेकर भीख मांगना बंद कर दीजिए चितवनी में केवल राज्य को मांगिए वो आ जाएंगे तो बाकी क्या रहेगा आप पटरानी बनना सीखिए भिक, भिक्षुणी बनना दासी बनना मत सीखिए लेकिन एक परंपरा चल गई है मैं जब कहता हूँ ये सब बातें तो काफ़ी लोगों को बुरी भी लगती होगी मैं जानता हूँ सब कहेंगे कि मैं परंपरा के खिलाफ बोल रहा हूँ लेकिन याद रखिए अंध परंपरा के खिलाफ चलना ही पड़ेगा गंगा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा बंगाल की खाड़ी में ही तो गिरेंगे हाँ कहावत कही जाते कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं अधर्म के खिलाफ तो उल्टी गंगा बहानी ही पड़ती है परम धाम का एक जान आया है परम धाम का दर्शन कराने के लिए लेकिन हमने दुनिया वालों की देखा देखी दुनिया वालों का मार्ग अपना लिया हम भी मन्नत मांगने लगे परमंच महाराज जी की समाधि पर संसार की कामनाओं के लिए लोग जाते हैं लेकिन कोई परमांश महाराज जी की जीवनी पढ़कर उनके जैसे बनने का उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास नहीं करता कि महाराज जी राज्य से जैसा प्रेम करते थे हम भी करें तो आप देखिए मेले भंडारे होते हैं सभी परमांशों की समाधियों पर लोग जाते हैं मन्नत मांगते हैं कोई पुत्र मांगता है कोई धन मांगता है परमांस महाराज जी ने या किसी भी परमाश ने चाहे बाबा दयाराम जी हों रामर दास जी महाराज हों मंगल दास जी महाराज हों जो उन्होंने दिन रात चितवनी करके राज्य को पाया उस मार्ग को कोई अपनाना ही नहीं चाहता राज्य को किनारे कर दिया जाता है भाई जी ने जो अपने पूर्व तन में फूलबाई थी श्री जी को रिझाने के लिए अपने तन का त्याग कर दिया और उसके स्वरूप उनको दूसरे तन में क्या सुबह मिली सबको मालूम है कि छत्रसाल जी ने उन्हें श्यामा जी का स्वरूप मान करके आरती उतारी उनके अंदर भी तो परमधाम की अमलावती की वासनाएं है और आप स्वयं परमधाम की आत्मा होकर नारियल चढ़ाकर क्या मांगते हैं पुत्र धन या कोई संसारी कामना आप भूल जाते हैं कि जो अमलावती है मैं भी तो परमधाम की आत्मा हूं उनके अंदर भी राजी है हमारे अंदर भी राजी है तो हम राज्य से राज्य को क्यों नहीं मांगते मेरी बातें तो अच्छी नहीं लग रही क्योंकि यूट्यूब से मेरी आवाज़ जाएगी सबको बुरा लगेगा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ सच क्या है आप राज्य के क्या हैं कभी आपने सोचा है आप राज्य को अपना जी आराध्य मानिए जीवन का आधार मानिए प्राणेश्वर मानिए और फिर हृदय में बसाइए माया की नष्ट होने वाली चीज़ों को क्यों मानते हैं राष्ट्रपति का पद भी पाँच साल के बाद समाप्त हो जाता है प्राइम मिनिस्टर का भी पद समाप्त हो जाता है आप खरबों की दौलत मांगेंगे सब नष्ट हो जाएगा क्यों मांगते हैं छोटी छोटी चीजों को भिक भिक्षुणी नहीं बनिए अर्धांगनी बनिए प्राणेश्वरी बनिए आप राज्य के हृदय में रहने वाले परम धाम के ब्रह्मणी हैं इसलिए जब उस भाव से आप चितवनी करेंगे तो क्या होगा आपके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसेगी आपके धाम हृदय में आपका प्राणेश्वर बसेगा और ये संसार रहते हुए भी, भी नहीं रहेगा इतना ऊंचा तत्व तो ज्ञान वाणी में राजी ने दिया है लेकिन मैं देखता हूँ सारा समाज किस अंधेरी गली में भागा जा रहा है जहाँ देखिए मन्नत ही मन्नत मैं गुमरजी जी में जाकर देखता हूँ वहाँ भी नारियल लटके हुए दिखते हैं अरे नारियल में कौन सी खूबी है नारियल लटका देने से क्या मन्नत पूरी हो जाएगी कोई आवश्यकता है तो क्या राज्य अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हैं जो आपके हृदय में बसता है खिलवत में एक चपाई आती है कहत कलावत तुम्हें करत करावा तुम कहलाने वाले आप हो कराने वाले आप हो सब कुछ जब वही है आपको ये पता है कि राज्य सब कुछ करवा रहे हैं फिर दुनिया वालों की राह आप क्यों पकड़ लेते हैं कि राज्य से मन्नत मांगने पहुँच जाती है हे राज्य आप हमारा ये काम कर दीजिए तो हम पाठ रख देंगे आप ये काम कर दीजिए तो हम एक साड़ी चढ़ा देंगे एक रुमाल चढ़ा देंगे एक बागा चढ़ा देंगे ये तो सौदेबाजी है और काम नहीं होता तो क्या कहते हैं कि काम तो हुआ नहीं अब क्यों चढ़ाएं क्यों पैसा बर्बाद करें इसका तात्पर्य क्या है राज्य पर तो आपकी निष्ठा नहीं राज्य से आपको प्रेम नहीं आप किसके लिए मांग रहे हैं माया वालों के लिए माया के संबंधों के लिए माया की वस्तु मांग रहे हैं प्रेम कहता है अपने को मिटा दो प्रेम उस बीज के समान है जो मिट्टी में बोद दिया जाता है मिट्टी में बो देने के बाद वो सोचता है कि मैं तो अब मिट्टी में ढक गया नहीं स्वयं को मिटा दिया तो वो एक एक नहीं अनेकों बीजों को पैदा कर देता है और जो जमीन पर पड़ा रहता है उस सूरज की धूप से झुलस जाया करता है राज्य के प्रेम का मार्ग ऐसा है जिसमें स्वयं के अस्तित्व को मिटाना होता है और चितवनी यही सिखाती है चितवनी में राज्य की शोभा को देखिए नक से सिख तक की शोभा को देखिए राज्य से ज़्यादा आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है राज्य से ज़्यादा कोई निकट भी आपके नहीं है आपके धाम हृदय में ही वो बसते हैं जिसको चितवनी का आनंद मिल जाएगा उसके लिए सारे ब्रह्मांड की दौलत भी कुछ नहीं है आप धन कमाते कमाते हैं बूढ़े हो जाते हैं किसके लिए कमाते हैं परिवार वालों के लिए जब आप बूढ़े हो जाएंगे खांसने लगेंगे तो आपके पोते ही कहेंगे कि दादाजी बार बार ज़्यादा खांसते रहते हो हमारे हमें बहुत डिस्टर्ब होता है उस समय क्या करेंगे आप सोचेंगे कि जिनके लिए कमाया अब वही बोझ समझ रहे हैं आपका शरीर छूटेगा तो जल्दी से जल्दी दाह क्रिया कर दी जाएगी कि जल्दी से घर में रखेंगे तो घर ही अशुद्ध हो जाएगा इनको बाहर निकालो जला दो थोड़ा दिखावे के लिए लोग रो लाल रो गा लेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात आपको भुला दिया जाएगा दुनिया की यही कहानी है इसलिए समय रहते ही सावचेत हो जाइए जी आपसे जितना प्रेम करते हैं उसका अंश भी संसार में आपसे कोई कर नहीं सकता राज जी आपके सबके निकट हैं इसलिए राज्य से राज्य की ब्रह्मात्मा बनिए भिक्षुणी दासी मत बनिए मेर सागर के कोटे लेकर संसार की चीजें मत मांगा किसी राज मेर सागर पढ़ते भी हैं बच्चे से पढ़वाते भी हैं तो राज्य का प्रेम मांगिए मैं प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर फिर मांगूर राज्य से उनका प्रेम मांगिए विरह मांगिए दर्द मांगिए उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाने की चाहत रखिए अब मेरा समय पूरा होता है तन का नीचा और क्या है मन का नीचा और क्या है जीव का नीचा और क्या है इसके बारे में मैंने कुछ प्रकाश डाला है अभी चितवनी का समय हो गया है सब सुंदर साथ बैठे रहें पाँच मिनट के लिए संख्या की केवल छूट दी जाती है उसके पश्चात एक घंटे की चितवनी होगी और मैं ऐसा करूंगा कि जो भी सुंदर साथ बैठे हैं कमरों में जाकर कमरों में नहीं जाएंगे बहनों के लिए और भाइयों के लिए सबके लिए यहीं पर यूरिनल बना हुआ है उस यूरिनल के आगे कोई भी सुंदर साथ नहीं जाएगा सबको एक घंटे की चितवनी करनी ही होगी देखिए आपसे तो केवल चार बार करवाया जा रहा है और केवल चार घंटे चितवनी कराई जा रही है जो नास्तिक हैं बिफसने वालों के चार केंद्र हैं और उनमें साल भर बुकिंग रहती है कोई भी ऐसा सुंदर कोई भी उनका ऐसा अनुयायी नहीं है जो ये कह सके कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है भाग भाग कर लोग जा रहे हैं लेकिन हमारा सुंदर साथ का समूह सोया हुआ है या चितवनी से कोसो दूर जा चुका है हमारा पड़ामी समाज सबसे पिछड़ों समाजों में हो चुका है क्योंकि कर्मकांड की बढ़ोतरी ने मैंने कहा अभी आपको निरंकारी हों या राधा स्वामी मत मान ले उनके पास तो ज्ञान नहीं है आपकी तरह लेकिन वो नारियल नहीं चढ़ाते हैं जैसे कि आप करते हैं वो ध्यान करते हैं जब निराकार वाले ध्यान करते हैं आप तो निराकार के पार के पार परम धाम के रहने वाले हैं राज्य से प्रेम करने का दावा करने वाले हैं आप चितवनी में अपने प्राणेश्वर को रिछाइए उनको अपने हृदय मंदिर में बसाइए आपके हृदय में वो बस जाएंगे तो कहीं भी दुख नहीं रहेगा संसार में तो दुख आते रहते हैं सुख दुख मान अपमान चलता रहता है लेकिन उस आपके हृदय में वो बस जाएगा तो आपसे अधिक आनंदित इस सृष्टि में कोई भी नहीं होगा ये विश्वास कीजिए उसके एक पल के दीदार में जितना आनंद मिलेगा उस आनंद के सामने सारी सृष्टि का सुख भी फीका ही फीका रहेगा मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग में सब सुंदर साथ मेरी बात को अंगीकार करेंगे चितवनी के संदर्भ में मैंने आहार शुद्धि के बारे में जो कहा आसन सिद्धि के बारे में जो कहा और विरह में डूबकर जीव को निछावर करने के बारे में कहा तन मन और जीव का निछावर जब होगा तो आत्मा को अपने स्वरूप का बोध होगा और वह परात्म का श्रृंगार लेकर मूल मिलावे में पहुँचेगी अपने प्राणेश्वर को पाएगी प्रणाम